नमस्कार, वीडी टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। साबरकांठा जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या का कार्य प्रगति पर है, जो कि 6 लेन का है। वहीं पिछले 2 वर्षों से चालक परेशान हो रहे हैं। 6 लेन का निर्माण कार्य 2 वर्ष से अधिक समय से चल रहा है, जिससे डायवर्जन हो रहा है। यदि आप तेज गति का आनंद लेते हैं तो इस राजमार्ग पर चलने पर दुर्घटना और वाहन के नुकसान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राजमार्ग के आसपास के ग्रामीण भी नाराज है। धीमी गति से चल रही ट्रैफिक की वजह से ड्राइवर भी नाराज है। यहाँ पे अगर 2 ट्रक एक साथ निकलते हैं तो अधिक समय तक का डायवर्जन किया जाता है, तो वाहन फंस जाते हैं और 1 घंटे से अधिक का इंतजार करना पड़ता है। इस हाईवे पर आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है या फिर वाहन खराब हो जाते हैं। डायवर्जन बहुत संकरा हो जाता है और दूसरा भारी वाहन वहां से नहीं निकल पाते, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। इसके बगल में नई सड़क के लिए खुदाई की गई है, उस जगह पर भारी वाहन भी पलट जाते हैं। पहले इस सड़क पर निकलने के लिए 1 घंटा लगता था, अब 2 से 2.5 घंटे लगते हैं और अगर कोई दुर्घटना या कार खराब हो जाती है तो 1 घंटा ट्रैफिक में चला जाता है, जिससे समय भी बर्बाद होता है। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं वाहन चालकों का ईंधन भी ज्यादा खर्च हो रहा है। समय की बर्बादी हो रही है और वाहनों का भी नुकसान हो रहा है। डायवर्जन बिल्कुल बोगस रीते आपेला छे अने जे मेन रोड 6 लाइन नु काम चाले छे ए एकदम धीमू घोघर गति ए चाले छे। अत्यारे काम बिल्कुल बंद छे, एम घोघर गति तो नहीं પણ બિલકુલ બંધ છે। એના કારણ સર્વિસ રોડ જે આપેલા ત્યાં ખાડા પડી ગયેલા છે, તો ખાડા પડી જવાના કારણથી હજુ તૈયાર કરે નથી તો સાધનો ત્યાં આગળ ખોટકાઈ જાય છે, ઘણી વખત એક્સિડન્ટ પણ થાય છે અને ડાયવર્જન જે આપેલા છે એ તો બિલકુલ બોગસ રીતે આપેલા છે। અહીંયાથી જે અમે 2 વર્ષથી તો અમે બહુ જ હેરાન થઈ ગયા છીએ। ગાડી લઈને આવીએ તો 10-20થી વધારે સ્પીડથી ગાડી ચલાવી શકતા જ નથી અને વત્તા અમારો પેટ્રોલ ડીઝલ કે સીએનજી જે કોઈ બી ગાડી હોય એમાં બર્તનનો બગાડ તો થાય છે પણ સાથે સાથે સમયનો બગાડ થાય છે। પછી હિંમતનગર પ્રોતિથી શામળાજી જવું હોય તો 1 કલાક તો એની જગ્યાએ આ વખત 2-2 કલાકે જવું પડે છે અને એક્સિડન્ટ થાય તો બહુ વેઇટિંગમાં રહેવું પડે છે અને રોડ ઉપર એકદમ ખાડા પડી ગયા છે।